हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरे दोस्त। इस वीडियो में आप लोगों को एक एंड्रॉइड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग सभी लोगों के साथ शायद ये प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग जब गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका मोबाइल से जो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड सब पेंडिंग कर रहे हैं या और भी बहुत सारा इश्यू शो कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम को पूरा फिक्स करूंगा। दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करना है। दोस्तों, इस टॉपिक में मेरे चैनल में और भी वीडियो है, लेकिन दोस्तों आप लोग जरूर वीडियो को वॉच नहीं किया है, तभी मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो जरूर इस वीडियो को वॉच कर लेना, तो इस वीडियो से आप लोगों का प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व आउट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा अगर आपका मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर रहे हो तो आपका जो डाउनलोडिंग, वो देखिए मेरे पे डाउनलोडिंग हो रहा है, लेकिन आपका मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग शो कर रही है और भी इशू शो कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका जो फोन स्टोरेज है, आपका जो फाइल मैनेजर है, वहां पर जाके आपका फोन स्टोरेज को चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा मोबाइल पे फोन स्टोरेज देखिए, यहाँ पर अभी तक 4.25 GB अवेलेबल है। अगर आपका मोबाइल में फोन स्टोरेज अवेलेबल नहीं है, फोन स्टोरेज फ्री नहीं है, तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल से आपका फोन स्टोरेज को क्लियर करना होगा। ठीक है, आपका मोबाइल से आप लोग फोटोज, वीडियोज, एप्लीकेशन कुछ भी डिलीट करके फोन स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। अगर आप लोग डिलीट करना नहीं चाहते हो या आपका मोबाइल में वो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको काट करके आपका एसडी कार्ड में भी मूव कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आपका जो फोन स्टोरेज, दोस्तों ये करने पर आपका फोन स्टोरेज जो फ्री हो जाएगा, आपका फोन स्टोरेज अगर फ्री हो जाए, ठीक है, तब आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाओ, तो फिर आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखो। फिर भी आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिंपली आपका मोबाइल का सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है या एडिशनल सेटिंग है, आप लोगों को वहां पर जाना होगा। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को शो करेगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन। दोस्तों, आपका एंड्रॉइड मोबाइल में थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, मेरे में अलग हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा ऐप मैनेजमेंट बोलकर यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा ऐप मैनेजमेंट पर। ऐप मैनेजमेंट के जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा गूगल प्ले फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ धीरे धीरे कर यहाँ पर सर्च करके। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से सर्च करना होगा गूगल प्ले फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया है गूगल प्ले मूवीज टीवी, ये नहीं चाहिए। गूगल प्ले म्यूजिक, ये भी नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, तो फिर मेरे को बोलोगे कि सारे नहीं हो रहा है, मेरा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ। आप लोग जरूर वीडियो का अंत तक देखो, तभी आप लोगों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टोरेज यूजर्स में जाना पड़ेगा। स्टोरेज यूजर्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर कैच करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो क्लियर डेटा उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कर देना। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो फोर स्टॉप देख रहा है, यहाँ पर फोर स्टॉप में क्लिक करना होगा। तो गूगल प्ले सर्विस फ्रेमवर्क को आप लोगों को फोर स्टॉप करना होगा। इसके बाद आप लोग दोस्तों वीडियो जरूर अंत तक देखो। ठीक है, बाद में मेरे को नहीं कमेंट करने की सैर नहीं हुआ। तो इसके बाद आप लोगों को गूगल प्ले सर्विस में जाना होगा। गूगल प्ले सर्विस में जाने के बाद स्टोरेज यूजर्स में जाना होगा, तो फिर क्लियर कैच करना होगा, फिर क्लियर डेटा करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कैच करना पड़ेगा, फिर क्लियर डेटा करना पड़ेगा। जो तो आप लोगों को मैं तीनों दिखा दिया। ठीक है, तो आप लोगों को पहले गूगल सर्विस फ्रेमवर्क में जाना पड़ेगा, वहां पर क्लियर कैच क्लियर डेटा करने के बाद इसको फोर स्टॉप करना पड़ेगा। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर को क्लियर कैच क्लियर डेटा, तो फिर गूगल प्ले सर्विस को सेम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद जो आपका काम हो गया है खत्म, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका मोबाइल को जो है पावर ऑफ
करना पड़ेगा या आप लोग मोबाइल को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग 2-5 मिनट बाद आपका डेटा को ऑन करो तो फिर आप लोग ट्राई करो। मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूँ, आप लोग का जो पहले प्रॉब्लम था गूगल प्ले स्टोर, फिर गूगल प्ले स्टोर से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, तो दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा तरीका है तो मेरे को कमेंट करके बोलना, और दोस्तों आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को कमेंट करना। दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।